suffering very heavy casualties. अगर आप अकाल तख्त की तरफ नीचे की तरफ देखें, उसके संगमरमर के पत्थर को काट करके उसके अंदर बंकर बनाए गए हैं और उसके अंदर पिल बॉक्सेस बनाए गए हैं और जिसके अंदर से के ऑटोमेटिक फायर आया, एलएमजीज का फायर आया। इस इलाके में कम से कम 20 से ऊपर एलएमजी लगी हुई थी जिनका ऑटोमेटिक फायर हमारे ट्रूप्स के ऊपर आया। इसके अलावा जो मैंने आपको पहली जगह दिखाई है, इन सब चीजों का फायर शामिल करते हुए ये तकरीबन एक किलिंग ग्राउंड सा बन गया था जिसके अंदर हमारे ऊपर बहुत नुकसान हुआ। कुछ लिखने तो पहला कुछ सोच लईदा, वादू बोलने तो पहला मुंह नूं टोक लईदा, जेड़ा राह होवे शेर दी गुफा च मुकदा, ओथे जानो खुद नूं फिर रोक लईदा। ओ सुन ते जनूल बंदा बोल जा खजूल, जदों लिया समझ भारी होवे भारी बलिया। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਫਗਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਨੂੰ।